चाहूँगा कि राखी जी हमारी जो है वो हॉस्पिटल में है। अरे अपना किशन भाई का नहीं, वापस से रुको, वापस से रुको रुको, उनको करने दो। हम लोग रुके कब से, रुक जाओ भाई, एक मिनट रोल। बहुत दुख के साथ कहना पड़ रहा है कि राखी जी एडमिट है हॉस्पिटल में और काफ़ी उनकी स्थिति अभी क्रिटिकल है। कल हम लोग रात से हम लोग हॉस्पिटल में हैं, अभी उनके ब्रदर और कुछ रिलेटिव आए हैं तो मैं आया हूं और आप लोगों को अपडेट, क्योंकि बहुत सारे कॉल आ रहे थे तो अपडेट करने के लिए मैं आया हूं। काफ़ी उनकी स्थिति ख़राब है, उनको कल हम लोग करीब 8 बजे के करीब हम लोग शूटिंग पे जा रहे थे और रास्ते में उनको काफ़ी सीवियर पेन फील हुआ और 2-3 दिन से वो कंप्लेंट कर रही थी कि उनके चेस्ट में पेन है। बट कल रात में उनको कंप्लेंट था कि वो हाथ भी ऊपर नहीं उठा पा रही हैं और सेंटर में दर्द हो रहा है और कल उनकी कंडीशन काफ़ी ख़राब हो गई। तो हम लोग फिर मैं रास्ते में जहाँ भी नियर हॉस्पिटल था मैं वहाँ पे एडमिट कराया उनको। अभी काफ़ी उनकी स्थिति क्रिटिकल है क्योंकि सीवियर बहुत सारी चीज़ें निकल के आई हैं उनके। सर सीधा सवाल मैं पूछना चाहूँगा आपसे, क्या हार्ट अटैक आया है, आप कंफर्म करना चाहेंगे? देखिए हार्ट अटैक तो मीन्स अब डॉक्टर ही बता पाएगा क्योंकि कल डॉक्टर ने अभी तक कंसोलिडेटेड रिपोर्ट कुछ भी हमें नहीं दिया। अभी कंटिन्यूस हमारी बातें चल रही हैं क्योंकि ईसीजी भी नहीं हुआ अभी तक। ईसीजी इको दोनों हो चुका है। ईसीजी में क्या बताया उन्होंने? ईसीजी और इको का अभी तक लाइक के बाद उन्होंने एंजियोग्राफी शायद तैयारी की है। आज एंजियोग्राफी चल रहा है उनका और क्योंकि मुझे जहाँ तक टेक्निकल टर्म पता है कि जब ईसीजी के बाद अगर कुछ मेजर रहता है तो इको होता है, इको के बाद एंजियोग्राफी होता है। तो ये तीनों अभी एंजियोग्राफी चल रहा है। तो आपने कहा कि पेन आया हुआ था, तो क्या हार्ट में पेन हुआ था? क्योंकि डॉक्टर तो तभी बता देते हैं कि ये नॉर्मल हार्ट अटैक नहीं, अभी डॉक्टर इसलिए क्योंकि उनकी स्थिति अभी क्रिटिकल है, अभी नॉर्मल स्थिति नहीं हुई है, जिसकी वजह से डॉक्टर अभी बहुत सारी चीज़ें चेक कर रहे हैं। उनके पेट में भी शायद फाइब्रॉइड्स का कुछ बड़ा सा ये निकला है जो कि कैंसर का वो लोग कह रहे हैं कि शायद उसके वजह से भी उनको प्रॉब्लम हुई है। तो वो सारी चीज़ें अभी इन्वेस्टिगेट कर रहे हैं, अभी तक फाइनल मुझे कोई कंफर्मेशन आया नहीं है कि क्या है। अभी तक उनकी स्थिति क्रिटिकल बनी हुई है। लेकिन आप ये कह रहे हैं कि कैंसर की उनकी हिस्ट्री, उनकी फैमिली की भी हिस्ट्री, उनकी माताजी को कैंसर हुआ है, तो क्या हम ये माने कि कैंसर की भी एक चांसेस है राखी जी को? जी अभी कह सकते हैं कि अभी डॉक्टर ने जो भी चीज़ कंफर्म किया है उनके पेट में बहुत बड़ा, मैं टेक्निकल टर्म तो जानता नहीं हूँ उसके, लेकिन हाँ पेट में कुछ बड़ा सा गोला है और उसके लिए उन्होंने कैंसर उसको वो लोग एग्जामिन के लिए भेजा। में कोई प्रॉब्लम हुआ है? हाँ उसी में यूट्रस में उनके कुछ गोला है और उसके लिए उन्होंने भेजा है फर्दर लाइक इन्वेस्टिगेट करने। कौन सा टाटा में भेजा गया है? अब ये तो पता नहीं है क्योंकि कहाँ भेजा गया है, अभी तो लाइक अभी तो वो लोग कलेक्ट किए हैं सैंपल और अभी उनको एग्जामिनेशन में रखा है। कौन सा हॉस्पिटल? ओके, ये कहाँ पे, कौन से हॉस्पिटल? क्रिटिकल केयर में नहीं, अभी हॉस्पिटल में नहीं बता पाऊँगा क्योंकि बहुत सारे लोग मीडिया में वहाँ पहुँच जाएंगे जो कि डॉक्टर ने अभी स्ट्रिक्टली मना किया है। बहुत क्रिटिकल में हम लोगों उनको एडमिट कराए थे क्योंकि ऑन दी वे हम लोग शूटिंग पे थे और रास्ते में हमें एडमिट कराना था। तो क्या आप क्या कहना चाहेंगे फैन से, दर्शकों से, आप क्या कहना चाहिए? क्योंकि अभी आपने सीधी तरह से दो बीमारी की आपने बातचीत बता दी है, एक तो क्योंकि मतलब बच्चेदानी में काफ़ी प्रॉब्लम आ रहा है, तो कहना चाहिए क्या बच्चेदानी को निकाला जा सकता है, क्या प्रॉब्लम है, क्या कैंसर की तरफ से एक इशारा आप कर रहे हैं राखी सावंत को कैंसर का प्रॉब्लम हो रहा है या हार्ट अटैक का? ये दोनों हार्ट अटैक में तो नॉर्मल डॉक्टर इमीडिएटली बता देते हैं। देखिए हार्ट अटैक का जैसे अगर मैं जहाँ तक मुझे पता है हार्ट अटैक जो अगर अभी सर्वाइव कर गया, हार्ट अटैक आने के बाद जब सर्वाइव कर गया तो वह हार्ट अटैक कहलाता है, बट अभी वो सर्वाइव कर गई हैं क्योंकि ऑफकोर्स लाइक वो उनकी बातें हुई हैं सामने, लेकिन अभी भी उनकी स्थिति क्रिटिकल बनी हुई है क्योंकि उनके पेट में भी वो फाइंड किया गया है कि कुछ गोला वगैरह है और डॉक्टर अभी एग्जामिन कर रहे हैं।
आप एक कंफर्म कर सकते हैं माइनर हार्ट अटैक आया है राखी को और पेट का प्रॉब्लम है, आप मतलब कंफर्म कीजिए ना। हार्ट अटैक नहीं कह सकते हैं कि क्योंकि हार्ट अटैक जब तक डॉक्टर मुझे नहीं बताए, क्योंकि डॉक्टर कंसोलिडेटेड रिपोर्ट नहीं सबमिट करेगा तो हम लोग नहीं बता सकते हैं कि क्या है। बट हाँ, अभी उनकी स्थिति थोड़ी सी क्रिटिकल बनी हुई है क्योंकि बहुत सारी चीज़ें हैं और कहीं ना कहीं मुझे ये लगता है, ये मेरा पर्सनल मानना है कि मुझे कहीं ना कहीं ये लगता है कि ये जो इनकी स्थिति एक साल के अंतराल में ख़राब हुई है। मैंने जब मैं बिग बॉस में था उस दौरान भी राखी की टेस्ट हुई थी पूरा, क्योंकि बिग बॉस में ये प्रोसीजर होता है, सारे टेस्ट होते हैं, उसमें राखी ऑल राइट थी और ये जितने भी उसके सिम्टम बिगड़े हैं वो एक साल में बिगड़े हैं। और कहीं ना कहीं मेरा शक है कि राखी जो क्लेम की है मीडिया में कि हाँ मुझे मार पड़ती थी, मुझे मारता था, और ये कहीं ना कहीं मेरा डायरेक्ट इशारा है, मैं हाइट वाला बात नहीं करता, मैं डायरेक्ट बोलता हूँ कि कहीं ना कहीं उनको मार पड़ी है और वो अंदरूनी चोट है जो अभी रिफ्लेक्ट हो रही है। जैसे कि आपने जानकारी दी है कि बच्चेदानी को लेकर राखी ने ऑपरेशन भी कराया था बच्चेदानी को लेकर, एक डॉक्टर भी सामने आए थे जहाँ पर कहा गया था राखी प्रेग्नेंट नहीं हो सकती है, कुछ ना कुछ प्रॉब्लम बताया गया था, तो क्या हम समझ सकते हैं कि बच्चेदानी को लेकर काफ़ी परेशानी है राखी को? अभी आप वो बताइए, क्योंकि ये जब राखी काफ़ी कॉन्ट्रोवर्सी चल रही थी आप तब नहीं थे, लेकिन मैंने इंटरव्यू किया था डॉक्टर का तो बच्चेदानी को लेकर काफ़ी प्रॉब्लम हुआ था, तो आप सीधा बताइए कि राखी को किस तरह का आप बताने घुमा घुमा के आप मीडिया को घुमा रहे, लेकिन मुझे तो पता है सब प्रॉब्लम। देखिए, मीडिया को घुमाने का मेरा कोई शौक नहीं है, और रही बात कि मैं स्पष्ट बताता हूँ, बच्चेदानी और जो भी एलिगेशन उस पर लगाए गए थे वो दिमाग का फितूर है। ऐसे बंदे को मैं तो बोलूँगा कि अगर और जो भी डॉक्टर जो बता रहे हैं जो बच्चेदानी का, देखिए कोई भी चीज़ जो चीज़ मेरे पास इन्फॉर्मेशन नहीं है मैं उस पर बोलना नहीं चाहूँगा, क्योंकि बच्चेदानी का और ये सब बहुत प्राइवेट पार्ट है। अगर आपके पास पूरे सोर्स ऑफ इन्फॉर्मेशन है तो आप खुद दिखाइए, क्योंकि मैं उसमें नहीं बोल सकता हूँ क्योंकि मैं डॉक्टर नहीं हूँ और ना ही मैंने लाइक उस पर मैं कॉमेंट करना पसंद करूँगा, ठीक है। बट हाँ, ये डॉक्टर ने बोला है कि उनके बच्चेदानी में बहुत सा बड़ा लाइक साइड ट्यूमर है या गोला है जो भी है, क्योंकि मैं वहाँ पे था जब ये प्रोसीजर चल रहा था तो मैं वहाँ पे था। तो ऑपरेशन कब तक होगा, क्योंकि वो ट्यूमर को तो निकालना पड़ेगा। हाँ। कि अगर वो ट्यूमर को निकाला नहीं तो कैंसर बन सकता है। करेक्ट। तो इसी के लिए ऑपरेशन के लिए ही डॉक्टर उसकी तैयारी कर रहे हैं और अभी उनके बहुत सारे टेस्ट चल रहे हैं। डॉक्टर जब भी सजेस्ट करेंगे कि उनका ऑपरेशन इस डेट में हो, वो होगा। क्या फाइनेंशियली राखी है, अभी राखी के पास फाइनेंशियली की केस के लिए काफ़ी पैसे लगेंगे, तो क्या राखी के लिए कोई डोनेशन मांगा जाएगा कि राखी, क्योंकि पिछले एक साल से काफ़ी बैंकरप्ट है राखी, क्या कहना चाहेंगे? देखिए, अभी तो फाइनेंशियली हम लोग बता नहीं सकते हैं कि कहाँ से हम लोग, बट ऑफकोर्स लाइक जहाँ राखी के साथ बुरे लोग थे वहाँ पे अच्छे लोग भी हैं, तो ऑफ़ कोर्स मैं जानता हूँ कि राखी को इतने करोड़ों जनता का सपोर्ट है। ऑफ़ कोर्स मैं भी एक फ़ैन हूँ, तो ऑफ़ कोर्स हम लोग सभी सपोर्ट करेंगे। थैंक यू सर। डॉक्टर का बुलेटिन कब निकलेगा? डॉक्टर मेन तो हमें डॉक्टर नहीं चाहिए, जो डॉक्टर हमें बताए पूरा। डॉक्टर जो भी है वो बताएगा बहुत जल्दी, पहले अस्पताल बताइए, पहले स्थिति उनकी थोड़ी सी स्टेबल हो जाए तो फिर हम लोग इस पे डॉक्टर का भी स्टेटमेंट। पूरे पूरे देश में फैंस जानना चाहते, कल वो पिक्चर आई है और उससे काफ़ी पूरे फैंस परेशान हो चुके हैं और देश जानना चाहते क्या हुआ राखी को, इसलिए हम डॉक्टर का इंटरव्यू चाहिए हमें। देखिए, मैं तो यही बोलूँगा कि जितने फैन परेशान हुए हैं बस आप लोग विश कीजिए, क्योंकि ये कोई जोक का मुद्दा नहीं है। देखिए, राखी ने ऐसी अपनी इमेज बना ली है, देखिए कि जिसमें लोगों को लगता है कि वो कुछ भी कर रही है, ड्रामा है, ये है। मैं आपसे सीधा, मैं बहुत ब्लंट हूँ बोलने में और मैं किसी से डरता नहीं हूँ, तो मैं आपको बहुत बोलूँगा कि राखी जो है अगर क्रिटिकल में है तो क्रिटिकल में है। वो भेड़िया आया वाला कहानी उसके साथ हमेशा रिपीट होता है। जब भेड़िया सच में आया तो उसके पास उसकी बातों पर कोई यकीन नहीं करता, तो यहाँ पे सीन वही हुआ है। अभी क्या है, वो सच में क्रिटिकल में है तो लोग उनको लगता है कि आधे लोगों को लगता है कंट्रोवर्सी कर रही है, आधे लोगों को लगता है कि ऐसे नाटक कर रही है या जो भी है। बट मैं उसमें नहीं पढ़ना चाहूँगा, मैं जो लोग दिल से उसको जानते हैं मैं चाहूँगा कि उसके लिए विश करें, प्रे करें और जल्दी ही वो रिकवर हो जाएगी, ठीक है। थैंक यू सो मच।
तो रितेश भाई, सबसे पहले तो आज आपसे जानना चाहेंगे, एक खबर आई हमारे बीच में राखी जी को लेके, राखी सावंत जी को लेके, कि उनकी तबीयत जो है अभी थोड़ी सी नासाज चल रही है, क्या कुछ है पूरा मामला बताएंगे हमें। देखिए, राखी 2-3 दिन से कंप्लेन कर रही थी कि उसके चेस्ट में पेन हो रहा है, एंड कल वो पेन जो है काफ़ी सीवियर हो गया। सीवियर इन द सेंस कि जब हम लोग शूटिंग के लिए जा रहे थे, रास्ते में वो काफ़ी अनकॉशियस होने लगी और अजीब तरीके से उसको चेस्ट में पेन होने लगा। हालांकि सुबह में जाते वक्त वो बता रही थी कि उसके चेस्ट में सेंटर में पेन हो रहा है, हाथ में भी थोड़ा सा दर्द है, एंड चलने पे वो पेन बढ़ जाता है। बहुत दिन से वो कंप्लेन ये कर रही थी, बट हमें लगा कि ये नॉर्मल कभी भी हाइड्रेशन का प्रॉब्लम होता है तो होता है, तो बट कल ये सीवियर हो गया। और जब वो कार में काफ़ी उनको प्रॉब्लम होने लगी तो मैं वहाँ इमिडिएट में नज़दीक के हॉस्पिटल में मैं उनको एडमिट कराया। क्या लग रहा है आपको, ये सारी जो समस्याएं उनके साथ हो रही हैं, जो भी फिजिकल इश्यूज देखने को मिल रहे हैं, क्या वजह है उसके पीछे, क्या रीज़न लग रहा है, पहले से कोई सिम्टम्स थे या फिर कोई अचानक से कुछ ही सामने निकल गया ही है? देखिए, पहले से कोई भी सिम्टम नहीं थे, क्योंकि मैं जहाँ तक राखी को जानता हूँ, जब बिग बॉस के दौरान हम लोग गए थे तो वो काफ़ी तंदुरुस्त थी, एंड ये सारे सिम्टम आए हैं, उसको कैस्केडिंग इफेक्ट कह सकते हैं, उसको पर्सनली बहुत तोड़ा गया है। मीन्स जो भी क्लेम की है कि मारपीट भी मेरे साथ हुई है, और फिर से उसको शारीरिक और मेंटल हरासमेंट हुआ है, काफ़ी सारी चीज़ें उसके, जैसे पैसे ले लिए गए हैं, उसकी माँ चली गई, तो ये सारे जो हैं मिलके इफ़ेक्ट किए हैं और इंसान के। और अभी राखी के मैं काफ़ी कोशिश के बाद राखी को वापस से कुछ ट्रैक पे लाया हूँ, और कुछ दिन में वो आप देखा कि आप वो हंस रही थी या कोई भी चीज़ें नॉर्मल थी, बट अचानक से ये लगता है कि उनका शरीर अभी शायद इफ़ेक्ट हो रहा है ये सारी चीज़ें। राखी का अंदाज़ ऐसा रहा है कि हमेशा जो फैंस रहते हैं, ऐसी खबर आना उनके बीच में बहुत शॉकिंग है, क्योंकि कोई बिलीव करने को रेडी नहीं है। कभी कई बार हंसी मजाक भी रहता है, कोई बीच में कुछ ऐसे सेलिब्रिटी स्टंट्स भी हुए हैं जिसके बाद से लोग इसको बिलीव नहीं कर पाते हैं। पूरे मामले की एक बार जानकारी दीजिए, क्या एक्चुअली कंडीशन है और इशू क्या है? देखिए, अगर पब्लिसिटी स्टंट रहता तो मैं इन्वॉल्व नहीं रहता। मैं अपने मेरे लिए पब्लिसिटी स्टंट कोई मायने नहीं रखता, बिकॉज मैं बिग बॉस के बाद भी कभी पब्लिसिटी स्टंट या मैं मीडिया कवरेज पर बिलीव नहीं करता हूँ। बट सिंस चीज़ें बहुत ही वियर्ड थी और सीवियर थी, जिसके वजह से मुझे आके कहना पड़ा और उनके मैसेंजर के रूप में मुझे आना पड़ा, क्योंकि बहुत सारे फ़ैन, बहुत सारे इंडस्ट्री के लोग भी परेशान थे और सभी लोगों का फ़ोन आ रहा था बराबर। तो ऑफकोर्स ये सीवियर है, बहुत सारी चीज़ें सीरियस हैं जिसके वजह से हम लोगों को शेयर करना पड़ रहा है, इसलिए हम लोग हॉस्पिटल भी नहीं बता रहे हैं, क्योंकि हॉस्पिटल बता देने के बाद वहाँ पे हमें मेरे लिए इम्पॉर्टेंट है राखी रिकवर हो जाए, रादर दैन की कोई पब्लिसिटी करूँ मैं। फाइनेंसिस की भी बात करें तो बहुत शी वॉज नॉट गुड, वेल एंड गुड फ्रॉम द पास्ट वन ईयर। यस, तो अभी करेंटली जो सारा ही हॉस्पिटैलिटी जो मैनेज किया जा रहा है, अकोमोडेशन मैनेज किया जा रहा है, हाउ यू गाइस आर लुकिंग ऑन इट? देखिए, अभी फ़िलहाल तो जो भी है, मीन्स जैसे एडमिशन वगैरह सब मैंने कराया है, बट अभी फाइनल क्या बिल आता है, फाइनल क्या होगा, मेडिकल कंडीशन क्या होगा, ये तो पता नहीं है, क्योंकि ऑफकोर्स मैं जानता हूँ कि राखी फिनेंशियली वेल नहीं है, उसको तो काफ़ी फाइनेंशियली सभी लोग जानते हैं कि फाइनेंशियली उसको चीट किया गया है, उसके सारे पैसे ले लिए गए हैं, तो अब कितना फाइनेंस उसके पास है, क्या है, ये तो अभी बाद की बात है, क्योंकि जब डिस्चार्ज होगी तब हम लोग डिस्कस करेंगे। ऑफकोर्स मैं इतना इन शॉर्ट इतना बोलूँगा कि उसके साथ बुरे लोग थे, तो कम से कम अच्छे लोग भी हैं जो उसको हमेशा राखी को सपोर्ट करते हैं, प्यार करते हैं। और जैसा कि आपने बताया कि उनके साथ एक हैरेसमेंट की जो चीज़ें हो चुकी हैं पास्ट में, क्या रिकवरी के बाद कहीं ना कहीं उन चीज़ों पे कार्रवाई की जाएगी, आप लोग उन चीज़ों पे ध्यान दोगे फिर वापस से? जी बिल्कुल, मैं तो मेरा मानना है कि हमें उन चीज़ों पर कार्रवाई करनी चाहिए, क्योंकि ये गलत है। इट्स नॉट कि अगर राखी सावंत कोई स्टेटमेंट दे रही है, सभी वो मजाक मस्ती करती है, तो उसका दर्द भी मजाक है, ऐसा नहीं है, क्योंकि दर्द है तो दर्द है। हाँ, सभी, राखी सावंत भी एक इंसान है, उसको भी मार पड़ने पर दर्द होता है, उसको भी तकलीफ होने पर दर्द होता है। क्या एक्शन लेने वाले हैं उनके एक्स स्पाउस के खिलाफ आप लोग? देखिए, अब तो ये तो पहले तो कंफर्म हो जाए कि हम लोग जो ये सारा स्टेटमेंट राखी की ओर से होना चाहिए, और राखी का राइट्स बनता है किसी पर एक्शन लेने का, क्योंकि ये उसका राइट्स है।
ऑफ कोर्स राखी जहाँ भी मेरा सपोर्ट मांगेंगी आई एम ऑलवेज देयर। एंड लास्टली एक बार फैंस एंड व्यूअर्स को अपडेट कर दीजिए कि राखी की स्थिति अभी कैसी है, उनकी हेल्थ कंडीशंस के बारे में। देखिए फैंस, मैं आप लोगों को रिक्वेस्ट करूँगा, राखी की स्थिति थोड़ी सी नाजुक बनी है। ऑफ कोर्स आप लोगों को ईश्वर से प्रार्थना करें कि राखी जल्दी से जल्दी रिकवर हो जाए और जल्दी हमारे बीच में हंसते खेलते वापस आ जाए। थैंक यू, थैंक यू फॉर बीइंग विद अस।